जल्दी वाइंड अप करें प्लीज। चेयरमैन साहब, अगर 5 मिनट खामोशी से सुने, दलाल से बात करूंगा, जो इन्होंने सवाल उठाए उसके जवाब। हुकूमत की तरफ से हम ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्यों बात करते हैं? हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की इसलिए बात करते हैं कि हुकूमतें जवाब दें। सुने, वाइंड अप करें प्लीज। जी वाइंड अप करें मिनिस्टर साहब प्लीज। चेयरमैन साहब, हुकूमतें जवाबदेह होती है। आपने सवाल उठाए, पहला सवाल, साबिक ना अहल वजीर आजम के हवाले से कि वो गिरफ्तार क्यों है? पानामा पेपर्स हमने लेके आए, उन्होंने मैडम अर्ज है कि आपके 5 बंदों के बाद एक का टाइम तो बनता है जी, आप तशरीफ रखें सेनेटर साहिबा, प्लीज ऐसे ना करें। और मिनिस्टर किसी भी वक्त हाउस में आए, वो बात कर सकते हैं, इस तरह नहीं है। नए कानून तो ना बने इस हाउस के लिए आप लोग प्लीज। जी मिनिस्टर साहब कंप्लीट करें जी, जल्दी जल्दी। चेयरमैन साहब, अगर आप 5 मिनट अनइंटरप्टेड, अभी आपका बंदा तकरीर कर रहा था काइंडली, पहले आपने उनकी सुन ली। जी जी मिनिस्टर साहब वाइंड अप करें जी मिनिस्टर साहब। चेयरमैन साहब, जो सवाल किए आप, अगर उनको बोलने बोलने दे, मुझे 5 मिनट अनइंटरप्टेड आप दे दें, मैं अपनी जी प्लीज आप कंप्लीट करें, कंक्लूड करें जी। साबित ना एयर वजीर आजम के हवाले से सवाल हुआ, केस हमारे दौर में नहीं बने, पानामा पेपर इनके दौर में आए थे, और यही वो जायदाद थी जिसके हवाले से आसिफ अली जरदारी ने भी अपनी तकरीरों में जिक्र किया था कि किस तरह नवाज शरीफ ने मुल्क को लूटा। दूसरा, साबित ना अहल वजीर आजम की साहबजादी के हवाले से बात हुई, वही मशहूर जमाना डायलॉग आपको भी याद होगा कि मेरा लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदादें नहीं है, फिर जायदादें बरामद होती है, जवाब दे देते, बात खत्म कर देते। और अब आते हैं बात जरदारी साहब की, अभी एक तकरीर हुई कि सिन के हवाले से। मिनिस्टर साहब वाइंड अप करें प्लीज। चेयरमैन साहब, मैं सोच रहा था कि सिन के हवाले से अगर बात करेंगे तो 50% से ज्यादा बच्चे जो है सिन के अंदर स्कूलों से बाहर है, उसकी बात करते हैं। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पे आए जी। चेयरमैन साहब, आप वो भी नहीं बोलने दे रहे, ये भी नहीं बोलने दे रहे, तो आप जी बड़े बताए ना जी, आप बोलें।